पासिंग रोको। थैंक यू थैंक यू। बस सबसे पहले तो आज 10वां साल है गोल्ड अवार्ड का, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई हो। विकास जी अकेले जूझ रहे हैं एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, उसका पूरी तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और पिछले 10 साल से वो लगातार करते आ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। हर साल जब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ है मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, और लगभग शायद अगर मेरी अदास कमज़ोर ना हो तो मुझे गोल्ड अवार्ड मिला है। आशा करता हूँ इस बार भी नॉमिनेट हुआ हूँ तो इस बार भी शायद मिल जाए। कुछ पता नहीं है भैया, मैं तो बस देखिए शूटिंग से अभी सीधा यहाँ पे आया हूँ, तो अभी अंदर जाके थोड़ा सा अनवाइंड होऊंगा, देखते हैं क्या क्या मज़ेदार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, तो मौज करेंगे मस्ती करेंगे। फ्रैंकली टैक्स वैक्स तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी सीए से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आगे जाके ये जीएसटी जो है वो देश के लिए और हम सब के लिए अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद एक आध साल लगेगा इसको समझते और थोड़ा सा रूटीन में आते हुए, लेकिन एक बार अगर डे टू डे लाइफ में ये आ जाएगा तो हमारे देश के लिए और सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अभी सच देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमें पता है कि हमारी जो आबादी है उसके सामने कितने परसेंट लोग टैक्स एक्चुअल जमा करते हैं, तो देश कैसे चलेगा अगर हर कोई टैक्स की चोरी करेगा या टैक्स नहीं भरेगा। हम प्रशासन को गाली देते हैं कि भाई ये, पर प्रशासन आखिर करेगा क्या? अगर सब लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो डेफिनेटली प्रशासन कुछ कर सकता है, लेकिन आई थिंक परसेंटेज वाइज कुछ 2-3% पूरे हमारी जो आबादी उसमें से टैक्स भरती है, तो ऐसे कैसे देश चल सकता है। हाँ जी बिल्कुल, अरे इतना लंबा एसोसिएशन है तो डेफिनेटली, बट शी डिजर्व्स अ ब्रेक, और आप सब जानते हैं क्यों उनका ब्रेक है, तो बस वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड होप शी रिटर्न्स हेल एंड आर्टी अगेन। थैंक यू।